ये सांप जो होते हैं ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड के सबसे अधिक मॉडिफाइड जो है वो स्पेशलाइज एनिमल में से एक है। सांप में जो है वो स्टर्नम नहीं होता, पेक्टोरल गिर्डल नहीं होता है इसमें, इसमें टिम्पेनम नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता इसमें। अब टिम्पेनम का मतलब है कि सुनने की क्षमता। अब कोई यदि बोलता है तुमसे कि सपेरा, सपेरे ने क्या किया, सपेरे ने निकाली बीन, ठीक है, बीन निकाली इसने, बजाना सुन क्यों सर के, मतलब सपेरा जो है बीन बजा रहा है। अब बीन बजा रहा सपेरा, तो सांप जो है वो ऐसे 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 कर रहा था। सपेरा बोलो देखो मैं अपनी बीन की धुन पे सांप को नचा रहा हूं, जबकि सांप के पास टिम्पेनम ही नहीं है। सांप समझ नहीं पा रहा कि इसकी क्या हो क्या रहा है, कि ये आदमी ऐसे क्यों कर रहा है। सांप को टेंशन इस बात की कि ये कि मैं ये मेरे को मार तो नहीं देगा और मैं इसको पहले मार दूं, तो सांप क्या कर रहा है, वो सेंस कर रहा है उसको कहां है, किधर है, ठीक है, इधर है, अच्छा इधर आया, अब मैं मारूं। सांप आगे आगे करता है, वो बीन बजाएगा, सांप आगे आगे करेगा आगे, ठीक है। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी श्रीदेवी की, पुरानी मूवी है, श्रीदेवी अमरीश पुरी नगीना मूवी। मम्मी से पूछना, मम्मी ने तीन बार देखी मूवी, मम्मी से पूछना, मम्मी ने नगीना मूवी तीन बार देखी है। आप बोल रहे अरे आपको कैसे मालूम, अरे पूछ लेना ना, पूछने में क्या जाता है, एक बार तो देखी होगी। तो नगीना मूवी में श्रीदेवी इच्छाधारी सांप रहती है। अरे भैया बॉलीवुड में कुछ भी होता है, हालांकि हॉलीवुड भी कम नहीं है, वो भी वैम्पायर बनाता है इच्छाधारी, ठीक है। तो इच्छाधारी नागिन होती है श्रीदेवी, ठीक है। एक गाना उसमें, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, ऐसा दिखा दिखा मूवी वो दिखा। तो उसमें वो अमरीश पुरी बीन बजाता है, नागिन अंदर से बोलते हैं कहां गया, किधर गया, बीन बज रहा है, बीन, मतलब सांप इतना इतना म्यूजिक का शौकीन है। मतलब हिंदी फिल्मों ने आदमी के दिमाग में ऐसा भर दिया है कि द स्नेक्स आर वेरी वेरी फॉन्ड अबाउट म्यूजिक के, दे आर क्रेजी अबाउट म्यूजिक की। मतलब किसी ने बजाई बीन तो सांप को लगता है वाह टिक टिक करना जा रहा है, सांप जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा के सच में है, टिम्पेनम ही नहीं है भैया, बायोलॉजी बोलती है टिम्पेनम ही नहीं है उसमें। हाँ स्किन से वो साउंड वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं पाता उसको कि तूने बोला गाना बजा रहे हो बीन, अच्छा बीन बज रही है, अच्छा तुम मिका सिंह का गाना बजाओगे तो भी वो सांप वैसे ही करेगा जैसे वो बीन बजने पे कर रहा होता है, लेकिन लोग बोलते हैं बीन बजाने से सांप कंट्रोल में आता। भैया कैसे सुन ही नहीं पाया, कैसे कंट्रोल आ गया, मतलब फेंकने की भी एक लिमिट होती है, हद होती है। फिर मुझे अच्छे से ध्यान है, एक बार मैंने ना अपनी ऑफलाइन क्लास, था बहुत पुरानी बात है, 2002 की आसपास की बात रही होगी, तब क्लास में जब एनिमल किंगडम पूरा पढ़ाया मैंने, तो मैंने पूछा उससे कि किसी कोई डाउट, तो एकदम सर आपने एक चीज नहीं पढ़ाई, उस समय सिलेबस थोड़ा डिटेल था, उस समय ऑल इंडिया प्रिमिटिव सिलेबस और डिटेल था, तो हमको क्लास ऑर्डर तक पढ़ाना पड़ता था। तो उस समय सर आपने ये नहीं बताया, एक स्टेपटाइज में एक पॉइंट भूल गया। हमने कहा क्या भूल गया बेटा, बोले सर आपने इच्छाधारी सांप के बारे में नहीं बताया सर वो किस ग्रुप में आता है। तो बच्चों के दिमाग में इतना गहरा बसा था कि भाई इच्छाधारी सांप सच में होते हैं। कहले सर वो सांप की मणि के बारे में नहीं बताया, तो सांप की मणि होती है सर, वो निकलती है और उस मणि के पीछे सपेरे घूम रहे होते हैं, वो जिसको मणि मिल जाती है खूब पैसा मिलता है उसको। मतलब कुछ भी, मतलब फेंकने की कोई हद नहीं, मतलब लोग कुछ भी फेंक देते हैं। हर शादी विवाह में एक आदमी मिलेगा आपको जो जो सांप को रचाएगा, और एक नागिन मिलेगा, एक आदमी है जिसके अंदर जो इच्छाधारी, वो आदमी जो शादी विवाह बरात में नाच रहा होता ना सांप बन के, वो इच्छाधारी नागिन एक्चुअली, वो और वो एक सपेरा, वो एक बजाएगा, वो ऐसे ऐसे करेगा, ठिस ठिस करेगा और के दो चार को मारेगा, धक्का बक्का मार देगा। और वो यदि शादी विवाह में आपके यदि कोई सांप नहीं बना और कोई आदमी सपेरा नहीं बना, तो मतलब शादी विवाह अधूरा है। दूल्हा दुल्हन हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना कैसा बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि तुम्हारी बारात में सपेरा था, नागिन थी या नहीं थी, उससे फर्क पड़ता है। देश की हर बारात में आपको एक सांप और एक सपेरा जरूर मिलेगा आपको, जिस बारात में नहीं मिला मतलब वो बारात असली थी नहीं, ठीक है। खैर छोड़ो, अभी अपने मुद्दे पे आते लौट के, कहने का मतलब ये है कि इसमें ब्लेडर भी नहीं होता इसके अंदर।